इस सरस्वती के कई रहस्य खुल सकें और सरस्वती से जुड़े हुए जितने भी ज्ञानपूर्ण संस्कृतियां रही हैं और जो कुछ भी इसके साथ जुड़े हुए हमें तथ्य उपलब्ध हैं और पौराणिक कथाएं उपलब्ध हैं, वो सब कुछ जो है उसको हम एक तरह से लिखित रूप में ला सकें और उसको भविष्य में जो भारत की संस्कृति है उसके पुनर्निर्माण में उसका योगदान स्थापित कर सकें। तो जैसा कि विषय बड़ा स्पष्ट है, सारस्वत संस्कृति का प्रारूप एवं सार, फॉर्म एंड एसेंस ऑफ सारस्वत संस्कृति, ये विषय इतिहासकारों से थोड़ा भिन्न विषय है, आर्कियोलॉजी के लोगों से थोड़ा भिन्न विषय है। वो इस अर्थ में कि वो लोग उन तथ्यों को ढूंढते हैं जो प्रमाणिक रूप से आपको भूतल के ऊपर मिलते हैं, खुदाई से मिलते हैं या अन्य अन्य जगहों से इनके रेफरेंसेस मिलते हैं। तो एक तरह से इतिहासकार जो है वो तथ्यात्मक दृष्टि से इस सारे विषय को देखते हैं कि सरस्वती कहाँ से कहाँ तक गई और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। हमारा दृष्टिकोण यहाँ पे थोड़ा भिन्न है कि अगर ये नदी रही है, जैसा कि हम एक तरह की ये मिस्टिक नदी ही है जो लुप्त हो गई है, तो उसके किनारे रहने वाले लोगों का आचार व्यवहार संस्कार उनका क्या रहा होगा और वो आज तक किस रूप में हमें मिलते हैं, उसके बीज क्या हैं, उसके विविध आयाम क्या रहे होंगे, उन सारे विषयों पर हम चर्चा करने के लिए आज ये उद्यम कर रहे हैं। तो सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हैं इस भूमिका के साथ। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा और उसके बाद मैं आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरे जी को आमंत्रित करूंगा कि वो इस पक्ष की ओर जो है हमारा ध्यान आकर्षित करें और इस विषय में हमारे ज्ञान का जो है वो दृष्टि विस्तार करें। सीधे सीधे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऋग्वेद का मंत्र मिलता है, पावका नः सरस्वती वाजे भीर वाजिनी वती यज्ञम वष्टु धिया बसु, यानी कि पवित्र बनाने वाली, पोषण देने वाली, बुद्धिमत्ता पूर्वक ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी सरस्वती ज्ञान और कर्म से हमारे यज्ञ को सफल बनाए। ये एक बड़ी सरल सी प्रार्थना हमें वैदिक प्रार्थना उपलब्ध होती है मंत्रों में, लेकिन जितने ये शब्द आप यहाँ देख रहे हैं इन शब्दों के इतिहास और इसके विविध आयामों को समझने में कितना परिश्रम चाहिए होगा, कितना हमें बुद्धि का विस्तार चाहिए होगा, वो अभी अगले लगभग आधे पौने घंटे की चर्चा में हमें स्पष्ट होने लगेगा। हालांकि ये शब्द प्रतीत होते हैं लेकिन शब्दों के पीछे भाव और भावों के साथ साथ जो विचार है और फिर उनका जो व्यवहार और आचार में हमें बीज देखने को मिलेंगे, उनके विषय में हम जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। ये तो इसका एक पक्ष है जो सरस्वती, जिससे कि जिस पक्ष को हमें देखना होगा। दूसरा पक्ष ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो नदी के रूप में आप देख रहे हैं, भौतिक रूप उसका पूरी तरह देख पा रहे हैं जो प्रयागराज में आजकल हमें उपलब्ध होती है। हालांकि ये विचित्र बात है कि जिस इतिहासकार और आर्कियोलॉजी के लोग जिस सरस्वती की बात करते हैं वो तो जाकर के मिलती है अरेबियन अरब सागर में, जाकर अरेबियन सी में, जी लेकिन ये कौन सी ऐसी गुप्त सरस्वती है जो जाकर के हमें वहां पर मिलती है, जिसे हम कहते हैं कि प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर के मिलती है, और वो किस रूप में किस तरह से मिलती है वो एक अलग विषय है, उसकी ओर अभी हम अग्रसर नहीं हो रहे, लेकिन ये बात ध्यान में देने वाली है। इसका एक तीसरा पक्ष है जिसकी फोटोग्राफ मैंने यहाँ नहीं लगाई, वो तीसरा पक्ष है कि ब्राह्मण वर्ण के लोग जिसमें से अपने आप को विशिष्टता दिखाने के लिए सारस्वत ब्राह्मण शब्द का वो प्रयोग करते हैं कि वो सारस्वत ब्राह्मण कौन है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका आचार व्यवहार बाकियों से किस तरह से भिन्न है, इस सारे विषय को जानने और समझने की भी आवश्यकता होगी, लेकिन वो परवर्ती बातें हैं, लेकिन उससे पूर्व हम इस संस्कृति की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन इस संस्कृति की ओर अग्रसर होने से पूर्व कुछ बातें हमें और ध्यान देनी होंगी और विषय को थोड़ा सा और विस्तार देते हुए, ये तो आप अपनी स्क्रीन पे इस वक्त जो देख रहे हैं वो आप ये सारी बातें देख पा रहे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ साझा
साझी की थी जब आप लोगों को निमंत्रण भेजा था, आमंत्रण, कि इस विषय पे हम चर्चा करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। इस सारे विषय को जानने और समझने के लिए ये भी आवश्यक है कि आप और हमें दोनों को दो तरह की बातों में बातों का परिचय अवश्य हो। एक तो वो जो सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो प्रतीकात्मक भाषा होती है और हम उसका बहुधा प्रयोग करते हैं, लेकिन सारस्वत संस्कृति से जुड़ी हुई जो प्रतीकात्मक भाषा है उसका स्वरूप क्या बनता है वो हमें देखना होगा, जैसा कि मैं आपको कुछ एक स्लाइड्स दिखाऊंगा आगे चल के। और प्रतीकात्मक भाषाओं में सामान्य रूप से ज्यादा व्याख्या और उसकी अपेक्षा नहीं होती, की भी नहीं जा सकती प्रतीकों की। उनका प्रयोग किया जा सकता है लेकिन उनकी व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी न किसी व्याख्या के प्रतीक के रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है पौराणिक, जिसे सामान्य रूप से अंग्रेजी वाले जो है वो मिथिकल लैंग्वेज कहते हैं। इसका तात्पर्य केवल इतना है, क्योंकि ये अधिक नाम और गुण वाली भाषा होती है, कि जैसे कि अभी आपने सरस्वती का जो रूप देखा जिसमें वो वसुमती है, धीमती है, बुद्धि देने वाली है, विद्या की देवी है, तो इस तरह के बहुत सारे गुण दोषों नाम और गुण रूप वाली वो भाषा होती है। तो जब तक इन दो भाषाओं से हमारा परिचय नहीं होगा तो मुझे लगता है कि हम इस विषय के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा भूमिका के रूप में दो तीन बातें और कहना चाहूंगा मैं, कि ताकि हमारा फोकस ठीक बना रहे, कि रिवर सरस्वती को आप सभी देख पाते हैं कि हिमाचल से आरंभ हुई, जैसा इतिहासकारों और आर्कियोलॉजी के लोगों ने जो खोजबीन की, और यहाँ आकर के वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से होती हुई जो है, गुजरात से होती हुई अरब सागर में जाकर के राजस्थान के माध्यम से जाके मिलती है। ये तो इसका इतिहास है। और इसका जो पता लगा 1819 के अर्थक्वेक में जो भूमि में उथल पुथल आई, उन उथल पुथल के बाद जो 1870 में जियोलॉजिस्ट एलेक्स रॉजर्स थे, उन्होंने इस विषय में जो है वो खोजबीन शुरू की और उसको ठोस रूप जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर ओल्डहम ने अपनी रिपोर्ट्स में इसको दर्ज करना शुरू किया। और फिर उसके बाद इसके ऊपर उचित रूप से कार्य जो है 1886 से 1899 से के बीच में हुआ, जिसमें जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस जो है उन्होंने कई तरह की जो है अपनी थ्योरीज रखनी शुरू की कि ये विलुप्त नदी है और ये सारी बातें आप जानते हैं, और जिसका आज हम प्रारूप देखते हैं, जिसे आप घग्गर कहते हैं, ड्राई घग्गर, सूखी हुई नदी जो है। फिर उसके बाद 1972 में हमें जो है वो सैटेलाइट इमेजेस इसकी मिलनी शुरू होती हैं, और 1980 में इसके जो ग्राउंड वाटर है उसके आधार पर इसके जो समय है उसको निर्धारित करने की कोशिश हुई, जो कि लगभग 3500 वर्ष पूर्व है। हालांकि इस नदी का जो स्वरूप माना जाता है वो लगभग 6000 से 10000 वर्ष पूर्व तक का स्वीकार किया जाता है, ऐसी मान्यता है। निश्चित रूप से मैं नहीं जानता क्योंकि सब कुछ मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मुख्य रूप से इन बिंदुओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें। और 1998 के बाद कई कुछ इसमें परिवर्तन आने शुरू हुए, और फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी कार्य आरंभ किया, काफ़ी इसमें फंडिंग शुरू की, और हमें कई सारी बातें जो हैं वो हमारे सामने उभर आने लगी। इस थोड़ा सा मैप को भी आप ध्यान में दे लीजिए कि देखिए इसका विस्तार कितना अधिक है। लगभग 1400 मील से अधिक लंबी ये नदी है और 3 से 15 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई भी कहीं कहीं देखने को मिलती है, और लगभग 5 से 7 मीटर गहरी नदी ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इसको ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये जेहलम, चिनाब और रावी, सतलुज और इनके साथ आते आते यहाँ आकर के तो ये बहुत सतलुज के किनारे लगभग उसके समीप ही चली जाती है। तो इन सब बातों को हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें कि इस तरह का भूभाग ये है जहाँ इस सरस्वती का प्रवाह रहा है, तो उस भूभाग में किस तरह की संस्कृति विकसित हुई होगी। ये इसका वो रूप है जिसमें कि अब जो उपलब्ध होती है, जो ड्राई बेड कहते हैं घग्गर नदी का, ये हमें देखने को मिलता है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये फ्लो हमें जो है वो हिमाचल के बाद देखने को मिलता है, जो अरब सागर तक जाता है। अब इसके इस
की ओर आ जाएं, जिसकी भी वजह से मैं कह रहा था कि सिंबॉलिक लैंग्वेज और मतलब सरस्वती नदी है और सरस्वती देवी भी है, तो उसके हाथों में जो कुछ आप प्रदान करते हैं, देते हैं, जो आप देखते हैं, जिसमें माला है, वीणा है और बाकी और जो कुछ आप देखते हैं उसको ध्यान में रखते हैं, तो आप ये देखिए कि जो उसमें माला है वो उसका क्या प्रतीक है, कंसंट्रेशन का प्रतीक है, ब्रह्मांड का प्रतीक आप समझ सकते हैं। फिर उसमें जो वीणा दी गई है, वीणा प्रतीक है म्यूजिक एंड क्रिएटिविटी का। उसके बाद आप जो मोर देखते हैं वो रिप्रेजेंट्स ब्यूटी। उसमें जो आप देवी का जो मोर आप देखते हैं, हंस पीकॉक के साथ आप लोटस कमल देखते हैं, उसको भी आप देखें, वो प्योरिटी का सिंबल है। और फिर जो है आप हंस देखते हैं, ये ऐसे हैं जिसके मोर और हंस दोनों हैं। जो हंस है वो रिप्रेजेंट करता है एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, इसको रिप्रेजेंट करता है। और फिर आप उसके हाथों में जो ग्रंथ देखते हैं, पुस्तक देखते हैं, वो रिफ्लेक्ट जो है वो विजडम को करती है। और बाकी जो उनके चतुर्बाहु हैं, चार भुजाएं हैं, चार हाथ हैं, वो उसके लिमिटलेस पावर को बताती हैं। तो एक तो ये है इन सिंबल्स को समझने का तरीका। अब थोड़ा सा इस विषय को यहाँ पे मैं पूरा करके आपके साथ फिर चर्चा करता हूँ, मुख्य वक्ता को आमंत्रित करूंगा कि वो आप लोगों के साथ चर्चा करें। देखिए, जब मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज की बात कर रहा था तो सरस्वती के लिए आप एक सिंबल यूज करते हैं एंग। भाषा में ये एंग सरस्वती बीज कहा जाता है और इसके साथ ही आप इसकी उपासना करते हैं, जो कि निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को या सारस्वत संस्कृति का मूल आधार या मूल बीज या उसको परिभाषित करने वाला बीज मंत्र है। अब इस सरस्वती को की व्यापकता मुझे ऐसा लगता है कि इतना अधिक है कि हम अगर समझें कि हम सीधे सीधे समझ लेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारी बुद्धियां इतनी व्यापक और विस्तृत हैं या इतनी सूक्ष्म है कि उसको सारे पक्षों को हम एक साथ समझ पाएंगे। तो इसलिए तीन पक्षों से हमें, मुझे लगता है, इस सारे इशू को अप्रोच करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। पहला तो होगा इसका पार्थिव पक्ष। पार्थिव पक्ष का मतलब है कि हम आम दैनंदिन व्यवहार में इस सरस्वती के कौन कौन से पक्षों को हम प्रयोग करते हैं, किस तरह से प्रयोग करते रहे हैं। जैसे कि आप जब कोई बच्चे आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं तो आप उनको विद्यावान होने का भी आप आशीर्वचन देते हैं, तो ये उस सरस्वती का एक रूप है। या आप दूसरे को कहते हैं कि तुम्हें काम करने का तरीका सीखना होगा, तो कहीं ना कहीं ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को ये पार्थिव पक्ष जो है वो उसको छूता है। शाश्वत पक्ष से अभिप्राय यहाँ पर ये है कि ये सरस्वती जो 10,000 वर्ष से चली आ रही है वो आज तक हमारे पास विभिन्न प्रकार के विचारों को, भावों को लेकर के अग्रसर होती आई है। और ये कोई काल का स्थिर बिंदु नहीं है कि बस वहां पे जो हो गया सो हो गया, ये निरंतरता की बात को स्पष्ट करता है। तो इसलिए ये भी हमें देखना होगा कि वो कौन से भाव, कौन से विचार, कौन सा आचार है जो सरस्वती के शाश्वत पक्ष को बताता है। तीसरा पक्ष जो चिन्मय पक्ष है वो है कि इस सरस्वती, इस सारस्वत संस्कृति के वो कौन से ऐसे मूल्य हैं जिनको हम आज भी, जिसके प्रति हम मोहित हैं, जिसके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, जिसको हम आज भी जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत जो है वो इस संस्कृति के आधार से परिभाषित हो। तो इसके लिए ये बात भी ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हम लोगों का जो कंडीशनिंग है, ट्रेनिंग है, वो किस तरह से हुई है कि जो वेस्टर्न सोशल साइंसेज हैं उनके माध्यम से हुई है, जिसकी हम चर्चा आने वाले समय में करेंगे। उसमें क्या रहा है कि उन्होंने हर चीज को सर्वाइवल के एंगल से देखा है। उनकी सारी सोशल साइंसेज सर्वाइवल के बेस पे आधारित और विकसित हुई हैं। इसमें आप ये देखिए कि हमारी संस्कृति जो आरंभ होती है वो जिज्ञासा बोध से आरंभ होती है, वहां सर्वाइवल का कोई इशू नहीं है। कोई वेद, कोई उपनिषद ये नहीं कहता कि मैं जीऊंगा कैसे, मुझे संघर्ष करना है, कोई नहीं कहता। वो जानने की इच्छा करते हैं, चाहे एक ऋषि दूसरे ऋषि के पास जा रहा है, चाहे अज्ञानी ज्ञानी के पास जा रहा है।
तो वो सेंस ऑफ इंक्वायरी से शुरू होते हैं और एस्थेटिक लिविंग तक जो है वहां तक जाते हैं, एस्थेटिक यूं कह लीजिए कि एस्थेटिक वैल्यूज तक जाते हैं। तो सारे का सारा पुरुषार्थ जो है वो इस बात पे है, वो संघर्ष कहीं नहीं है, लेकिन सारी सोशल साइंसेज संघर्ष पर निर्भर करती हैं। इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम उन कंडीशनिंग के साथ इस सारे विषय को ना देखें, हम अपनी भाषा में अपने संदर्भों में इस सारे विषय को समझने की कोशिश करें कि सेंस ऑफ इंक्वायरी से एस्थेटिक एक्सपीरियंस क्या है हमारा जो सरस्वती हमें बताती है। अब इसका एक छोटा सा ये पक्ष नमूना आप और भी देख लीजिए, जिस सिंबलिज्म की मैं बात कर रहा था कि इस तरह के आपको बहुत सारे यंत्र भी देखने को मिलते हैं जिनको कोडिफाई किया गया है, जिनको डिकोड करना जो है वो लेटर पीरियड की बातें हैं, लेकिन इस तरह से ये प्रयास किए गए हैं पुनः पुनः कि किस तरह से इस सारी की सारी संस्कृति को हम इन यंत्रों में भी ले आए, बीज मंत्रों में भी ले आए और इन यंत्रों में भी उतार लें, और फिर ताकि वो व्यवहार में रहें और शायद इन्हीं यंत्रों और मंत्रों की वजह से जो है वो सारस्वत संस्कृति आज तक हमारे बीच में चली आई है। तो कुल मिलाकर के आज हम इस सारे विषय पे जो चर्चा करने जा रहे हैं उसके लिए हमने सादर आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी को, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर और हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के। तो वो आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं और वो इस सारे विषय पर किस तरह से इस विषय को हम देखें जिससे कि हमारी बुद्धि का विस्तार भी हो, हमारी दृष्टि का विस्तार हो और हमारे जो तर्क हैं, जो समझने की क्षमता है वो ज्यादा सूक्ष्म भी हो। ये साथ आप एक जो चित्र देख रहे हैं ये सामान्य रूप से छात्रों को दिया जाता है और ये भी सरस्वती का एक यंत्र है, उनको विद्या प्राप्ति के लिए ये यंत्र का, हालांकि मुझे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, मैं नहीं जानता कि इसको कैसे डिकोड करेंगे, लेकिन ये यंत्र जो है वो विद्यार्थियों को दिया जाता है ताकि वो इसका प्रयोग करें और अपनी विद्या अर्जन में उनको लाभ हो। और ये जो आप साथ में मूर्ति देख रहे हैं ये ब्रिटिश म्यूजियम की मूर्ति है और 1800 से पहले की ये मूर्ति है जो वहाँ ब्रिटिश में। तो कुल मिलाकर के ये मेरा का वक्तव्य था, भूमिका के रूप में आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता था ताकि हम इतना तो हम जानते हैं लेकिन इससे आगे जानने की हमारी जिज्ञासा है, इच्छा है। और ये श्लोक आप सभी लोग जानते ही हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, पुनः पुनः सभी पढ़ते हैं पूर्णिमा के अवसर पर जब सरस्वती का वो दिवस होता है, विशेष दिवस हम मनाते हैं, वो एक सभी आप जानते हैं। तो इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी को कि वो हमारे साथ इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करें और हमें समझाएं, बताएं कि इस सारे विषय को हम कैसे समझें और कैसे इसको एक ठोस आकार दें ताकि इसको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम अपने जो मेन एकेडमिक डिस्कोर्स है उसका हम हिस्सा बना सकें, नहीं तो फिर वही सोशल साइंसेज जो है वो हम पर प्रभावी हो जाएंगी और हम जो अपेक्षित है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुख्य वक्ता से निवेदन करता हूं कि वो इस सारे विषय के ऊपर चर्चा करें और फिर उसके बाद हम इस सारे के ऊपर टिप्पणियां, आपके प्रश्न और जो भी आप लोगों की और कोई सूचनाएं होंगी उसको हम ग्रहण करेंगे। जी आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं, अपने को अनम्यूट कर लें। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए नीचे से। सभी उपस्थित बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। कर्सर को उसके ऊपर ला करके रमाकांत जी आप अपने अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आपने म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया, अपने को मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ अनम्यूट कर ले। अनम्यूट ये हो गया नहीं? हो रखा है, आप अनम्यूट हो गए हैं। थैंक यू। अनम्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए।
नहीं आप सुनाई दे रहे हैं? आ रही आवाज आ रही है सर, बोलिए। नहीं अभी अनम्यूट नहीं हुआ, मैं यहाँ से अनम्यूट नहीं कर सकता आपको। नहीं वो सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी हो गए, सुनाई दे रहे हैं सर। हाँ मैंने किया हुआ है जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए कृपया, स्पीकर का वॉल्यूम। आपकी आवाज नहीं आ रही अभी। हेलो सामिया, आप ऐसे करें कि आप अपना मोबाइल से जो है उनको जोड़ दें तब तक। अंगिरस जी आपके माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, हमें उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही है। अंग्रेजी में आवाज आ रही है आप नहीं, नहीं अनम्यूट करें दोबारा। नहीं अनम्यूट है, अनम्यूट किया हुआ है। अनम्यूट नहीं हुआ, हो गया अब म्यूट हो गया है, अब म्यूट हो गया है सर। अच्छा आप सुन पा रहे हैं आनंद जी? हाँ नहीं मैं रवि शर्मा, मैं सुन पा रहा हूँ। सुन रहा जी, साफ सुन रहा है सर, आप बोलिए। हाँ, आनंद जी लेकिन आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अवस्थी जी। अनम्यूट, अनम्यूट तो हो गए सर। अंगिरस जी साहब मतलब प्रोफेसर साहब अनम्यूट हो गए वो। मेरे पास आवाज क्यों नहीं आ रही? वो वॉल्यूम लो है, नहीं आवाज आ रही है। हेलो, बाकियों के पास आ रही आवाज? आ रही है जी, अगर बाकियों के पास आ रही है तो आ रही है। और थोड़ा सा आप नजदीक आ जाइए माइक्रोफोन के। ओके, थोड़ी असुविधा होगी लेकिन नजदीक आने से आप शुरू करें। ठीक, अनम्यूटेड है। आदरणीय सभी बंधु जनों नमस्कार। ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक सौभाग्य की बात है कि हम लोग भारतीय संस्कृति के कुछ तत्वों की ओर जागरूक हो रहे हैं, जो इस स्वतंत्र भारत में जो बहुत ही अपेक्षित है, और उनमें से एक ये भारतीय संस्कृति की जो विचारधारा चली है उसको हम उसका हम एक पर्यालोचन करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं। तो इस आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्थिति ऐसी है कि लोक में मनुष्य जो है वो किसी न किसी विचारधाराओं के साथ चलता है, बहुत सारी विचारधाराएं लोक में उत्पन्न होती हैं, लेकिन फिर वो कहीं जाकर के लुप्त हो जाती हैं, कहीं गुप्त हो जाती हैं। तो कारण उसका रहता है कि वही विचारधारा या संस्कृति जिसे हम कहते हैं, संस्कृति क्या है? एक विचारधारा ही है, विचारधारा का नाम ही संस्कृति हो जाता। वो विचारधारा जो है जो शाश्वत प्रश्नों के साथ जुड़ जाती है, वो शाश्वत प्रश्नों के साथ जुड़ जाने वाली जो है वो सनातन संस्कृति बन जाती है। इसलिए सारस्वत संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि ये एक सनातनता के साथ जुड़ी हुई संस्कृति है। इसी कारण ये आज भी हम लोग इसका इसकी गवेषणा अन्वेषण इसका कर रहे हैं। वास्तव में हमारे लिए इसका लोप कभी हुआ नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो मेरे को स्मरण है कि बहुत सारे ऐसे सन्यासी जिनसे साक्षात्कार हुआ, वो लोग ये बिना बताए किसी को सरस्वती के मूल को देखने का बहुत प्रयास करते रहे। बड़ी बड़ी यात्राएं की उन्होंने और खोजा, और आकर के उन्होंने अपने मत बताया, अपना मत से उन्होंने बताया कि सरस्वती का मूल स्रोत यह था। तो हम पूछते थे कि सरस्वती के प्रति आप इतना
आपका आग्रह क्यों है? तो उनका ये था कि सरस्वती के मूल का साक्षात्कार करने से मोक्ष मिलता है। तो अब सरस्वती के मूल को मोक्ष की दृष्टि से ढूंढने वाले लोग जो थे वो उसका ज्योग्राफिकल, जैसे आजकल प्रथा चल रही है, वो उस तरह से शायद उतना नहीं देखते थे, लेकिन वो मोक्ष मूला सरस्वती, उसका सारस्वत संस्कृति का मोक्ष मूल मान करके अग्रसर होते थे, चलते रहे लोग। और उसके साथ जुड़ी हुई जो कथाएं हैं वो आप सब लोगों ने सुनी होंगी कि वो वैदिक काल से लेके अब तक उसके साथ एक बराबर कोई ना कोई कथा जुड़ती रही है उसके साथ। निश्चित रूप से भारतीय मेधा का एक ये स्वभाव रहा है कि वो एक समय में ही जिसको अधिभूत समझती है, मेटीरियल समझती है, उसी समय में वो उसको अधिदैवत भी समझती है। वो साथ ही उसके, वो सिर्फ पानी बहता नहीं दिखाई देता है, वो पानी उसी समय पानी भी है और वो देवता भी है, और वो साथ ही उसके वो अध्यात्म भी है। तो तीनों ये स्वरूप जो है, अधिभूत, अधिदेवत और अध्यात्म, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। तो सरस्वती का जो अधिभूत रूप है वो कहीं गुप्त हो गया, कहीं लुप्त हो गया परिस्थिति विशेष के कारण या उसमें, लेकिन वो वैचारिक रूप में उसका जो उसके किनारों पर जो काम हुआ वो सारे के सारे संपूर्ण भारत की ही संपदा बन गई। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वैदिक मंत्रों में सरस्वती का जो स्वरूप हमें स्पष्ट हुआ, उस स्वरूप को देखना है कि सरस्वती ने हमें एक संस्कृति के रूप में वो क्या दिया है जो आज भी हम जिसका अनुशीलन करने के लिए उतने ही तत्पर है। तो वो देखते हुए हैं कि जब जितने भी ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद को ही स्वीकार किया जाता है, तो वो ऋग्वेद के मंत्रों के अंदर दूसरी नदियों का भी बहुत वर्णन है। इवन देखें तो उसमें ये शतशतुद्री और ये पर्वशनी इरावती और ये सब नदियों का, गंगा यमुना का भी जिक्र है, उसमें है, लेकिन उस तरह का महात्म्य नहीं है जिस तरह का महात्म्य सरस्वती का। सरस्वती के ऊपर एक पूरे जैसे चाहिए तो हम सूक्त पूरा बन जाता है, और सारस्वत जो मंत्र हैं उनका एक वैशिष्ट्य रहता है कि सरस्वती का यज्ञम वस्तु धिया वसु, इसी मंत्र को जो जहां लिखा हुआ है, ये उसके जिस भी मंडल में मंत्र आते हैं सरस्वती को लेकर, उनमें सब में कहीं ना कहीं एक यज्ञ शब्द का प्रयोग अवश्य आ रहा है। वो यज्ञम वस्तु धिया वसु और यज्ञ की स्थिति जो है, ये लगता है कि सरस्वती को बहुत ही प्रिय रही। यज्ञ संस्कृति को ही मूल संस्कृति के रूप में सारस्वत लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन यज्ञ संस्कृति को जब हमने स्वीकार किया तो बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि यज्ञ के माने एक ऐसा कर्मकांड है, एक ऐसा रिचुअल है कि आहुतियां डाल दी और अग्नि में और ये कर दिया सब, तो वो उसमें यज्ञ हो गया। तो ऐसा ऋग्वेद के मंत्रों में यज्ञ का ऐसा स्वरूप उपलब्ध नहीं होता है। वहां यज्ञ जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर सारे विश्व में चल रही है, और उस निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया को, सृष्टि के अंदर निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया को ही यज्ञ कहा गया है। रित और सत्य उसके साथ ही जुड़ करके चलते आए हैं। इसलिए ये ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है कि यज्ञ संस्कृति का स्वरूप जो है वो धीरे धीरे उसका मंडल कैसे बढ़ता जाता है। आप आहुति देते हैं, लेकिन आहुति देने के पीछे सिर्फ आहुति नहीं देते हैं आप, आहुति के साथ साथ उसकी जो पीछे का
उसका मंडल है वो मंडल विस्तृत होता जाता है, वो अग्नि देवताओं की ओर भी अग्रसर होती है और अग्नि देवताओं के साथ अग्रसर होने के साथ साथ वो एक आलोक के अंदर एक ऐसे प्रकाश के आध्यात्मिक प्रकाश में बदल जाती है कि यज्ञ से ही ये एक प्रकार से सारा जो हमारा जिसे हम कहें अध्यात्म विज्ञान है, अधिभूत विज्ञान है, अधिदेवित विज्ञान है, वो प्रेरित हो रहा। इसलिए ये बड़ा आवश्यक है मैं समझता हूँ समझना कि यज्ञ को संस्कृति के रूप में जब स्वीकार किया गया तो उस समय यज्ञ का जो अभिप्राय उनका रहा ये दशम मंडल में बात आती है कि उसमें कि जब वो काशी प्रमा प्रतिमा किम निदानम, ये उस समय जब देवा देवम अजयंत अग्रे, जब देवताओं ने पहले यज्ञ किया तो सामग्री क्या थी, मटेरियल कहाँ था, ये सब क्या था, तो वो उसको इस रूप में वर्णन करने लगते हैं वसंतो स्यासी दाज्यम ग्रीष्म इतमा शरद दवी, वसंत ऋतु ही उसमें घी बना और उसके अंदर जो ग्रीष्म ऋतु थी वो ईंधन की लकड़ियां बनी और शरद ऋतु जो थी वो उसका ये हवी बना, तो उससे सृष्टि के अंदर मूल में यज्ञ हो रहा था। ये सारस्वत संस्कृति जो है यज्ञ मूलक है, यज्ञ मूला है। इस यज्ञ मूला संस्कृति ने जो इसका जो योगदान है उसको आप देखें तो मैं कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि संपूर्ण भारत में सारस्वत संस्कृति यहाँ सरस्वती के तटों पर उत्पन्न होकर के कैसे संपूर्ण भारत का ही दर्शन बन गई हो। संपूर्ण भारत जो है उसको यज्ञ दर्शन के रूप में सारे भारत ने उसको स्वीकार किया, तो उसके अंदर जो यज्ञ संस्कृति है उस यज्ञ संस्कृति में ऋषियों ने जो बात प्रधान रूप से मुख्य रूप से कही वो था कि यज्ञ के लिए एक काव्य चाहिए, एक कविता चाहिए, एक पोएट्री चाहिए, पोएटिक विजन चाहिए। ये बिना पोएटिक विजन के ऋग्वेद के मंत्रों में ये पोएटिक विजन जो है आपको जगह जगह पर मिलेगा। जब ये बात कहते हैं ना यो जागार तम ऋचक कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ति, अब इसका आप मतलब समझिए तो उस क्या मतलब है उसका, यो जागार जो जागता है तम ऋचक कामयन्ते, उसको ऋचाएं उसके भीतर जागृत हो जाती हैं। अब ये ऋचा क्या है वो ऋचा को एक्सप्लेन करते हैं कि ऋचा क्या है, मंत्र काव्य है। श्री अरविंद ने इसी को कहा कि ये भविष्य का होने वाली जो पोएट्री है मंत्र काव्य होगा, भविष्य की कविता जो होगी वो मंत्र काव्य होगा। तो वो सारस्वत संस्कृति मूलतः ये मान के चल रही है कि यज्ञ के लिए एक पोएटिक विजन होना वो प्रातिव विजन है, वो उसमें भाषा जो है उसको आप अगर ऐसे तथ्यात्मक होकर के जब हिस्टोरिकल मान करके जब देखने लगेंगे, ऐतिहासिक मान के चलेंगे, तो सारस्वत संस्कृति समझ में नहीं आएगी, वो केवल मात्र अधिभौतिक होकर के रह जाएगी और वो उसका यही होगा कि ज्योग्राफिकल उसका जो सर्वे है वहीं तक वो बात सीमित रह जाएगी। लेकिन एक उसका मूल तत्व जिसको वो कहता है कि ये एक जो उसकी जो काव्य दृष्टि है, इमेजिनेटिव इंसाइट जो है, जिस पुरुष में वो इमेजिनेटिव इंसाइट है नहीं है वो यज्ञ क्या करेगा यज्ञ के लिए। इसलिए जब चारों बैठते हैं, होता ध्वर्युद गाता और ये सभी लोग बैठते हैं, तो उसमें सभी लोगों को आप देखेंगे कि यज्ञ का वो प्रतीक रूप में समझ लें या वैसे समझें, तो कोई एक जो है जो साम कान करने वाला है वो सिर्फ गाएगा ही, मंत्रों का गान ही करेगा। दूसरा जो है पढ़ने वाला उसे पाठ ही करेगा। दूसरा जो रिचुअल जो कर्म में जाने वाला है वो उसमें कर्म ही करेगा। वो ब्रह्मा जो है वो सबको लुक आफ्टर करे, देखेगा कि कहीं कोई यज्ञ में त्रुटि तो नहीं हो रही। तो पहली बात जो सारस्वत संस्कृति से मिला वो हमें एक काव्यात्मक, लेकिन ये काव्यात्मक आज की जैसे काव्य उस तरह का काव्य नहीं है, क्योंकि वो काव्य जो है वो धरा के नीचे से लेकर के
कुंडलिनी की तरह उठता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है, ब्रह्म सत्ता तक चला जाता है वो काव्य। इसलिए जब ये उपनिषदों के अंदर बात आती है अकार वो उसमें कि ये जो मंत्र हैं उसके कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याचा तत्सतो अर्थान व्यथा शाश्वती व्यसमाप्या, वो कवि है वो मनीषी कौन कवि है वो उसके लिए छोड़ देता है, सर्वनामों का प्रयोग करता है, वो उसे ईश्वर या नाम देना नहीं चाहता है। सार्वनामिक प्रयोगों से आप देखेंगे जब जगह जगह श्रुति के अंदर श्रुति की परंपरा में इस श्रुति परंपरा के अंदर जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें वो नाम लेने की बजाय तत्त्वमसी करके ये जो सर्वनाम है सर्वनामों के माध्यम से ताकि सांस्कृतिक जो विचार है अनुभूतियां हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं, इसलिए सार्वनामिक संस्कृति इसको आप कह सकते हैं जो सर्वनामों से चलती है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम क्या है सर्वनाम है, उसमें तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि ये मैं ब्रह्म हूं, ये सबके सब सर्वनाम ही। तो सार्वनामिक संस्कृति जो थी ये प्रत्येक सदस्य को जो प्राप्त हुई, यज्ञ उसका मूल था, यज्ञ में सबसे पहले जो था वो था कि ये पोएटिक क्रिएटिविटी कैसे सामने आए, काव्यात्मक रचनाशीलता, बिना काव्य रचना के और ये वो काव्य रचना का ध्यान रखें इस बात को कि ये काव्य जो मंत्र काव्य है, मंत्र काव्य जो है ये थोड़ा आज की कविता से ये बिल्कुल भिन्न है, वो उसके साथ अध्यात्म अधिभूत और अधिदेवत तीनों दृष्टियां एक साथ उसके अंदर जुड़ी हुई हैं, उसके साथ वो दृष्टियां। दूसरा उसके अंदर बड़ा महत्वपूर्ण जो है कि काव्य अनुभव के साथ साथ यज्ञ के अंदर बड़ा जरूरी था, जो यज्ञ करता है वो काव्यात्मक अनुभव के साथ साथ उसका रिचुअल एक्सपीरियंस भी है, वो उसका जो सैक्रिफिशियल उसके अंदर सैक्रिफाइस का जो अनुभव है ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर, क्योंकि अगर ये उसमें मंत्र ब्राह्मण और नाम ध्येयम ऐसा मंत्र और ब्राह्मण नाम ध्येय करते हैं, तो ये मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि ये सरस्वती के ही किनारे पर ऋषियों के उन ऋषियों के जो वेद के ऋषि रहे हैं और जो वेद का प्राचीनतम साहित्य है उसके अंदर सरस्वती का इतना महात्म्य बना कि बाकी नदियां उसके आगे बहुत पीछे पड़ जाती, पीछे रह जाती। वो दूसरे मंडल के अंदर ही ऋषि जो है वो अब उसमें आप देखिए कि बड़ा स्पष्ट घोषणा करते हैं, अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वती अप्रशस्ता वस्मसि प्रशस्ति मम्बनस्कृति। अब इसे आप कविता माने मंत्र माने क्या मानेंगे आप, वो पानी के किनारे खड़ा होकर के पानी के अंदर छंद को ढूंढ रहा है, पानी के अंदर छंद को देखता है कि पानी से उसने क्या सीखा। आपो वा इदम सर्वम विश्वाभूतान्यापः, ये सब जगत जो है जल रूप ही है और इस जल के प्रवाहित जो जल है इस प्रवाहित जल में पानी नहीं बह रहा है, उसे धर्म द्रवीति विख्याते, ये उसके अंदर पानी नहीं है धर्म बह रहा है, ये इसके अंदर क्या बह रहा है अर्थ काम सारे पुरुषार्थ जो है वही जल के अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। इसलिए जब उस नदी के अंदर लोग अब भी गोता मारते हैं तो डुबकी लगाते वक्त वो यही प्रार्थना करते हैं कि धर्म द्रवीति विख्याते पापम में हर जाह्नवी, हे गंगे मैं तुम धर्म द्रवी हो तो मेरे समस्त पापों का तुम अपहरण करो। तो इसलिए वो पानी की जो जल की धारा है वो जल धारण मात्र नहीं है, वो जल धारा के साथ साथ वो एक आपके सामने उपस्थित करता है एक ऐसा दृष्टिकोण जिसका नाम है यज्ञ। ये यज्ञ जो है वो यज्ञ उसका और ये यज्ञ बिना उसमें बिना पोएटिक विजन के
ये यज्ञ नहीं हो पाता, उसी के अंदर हम अपना 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 सभी लोग, अगर आप नदी के पास जाते हैं तो आप भी अपना छंद ढूंढते हैं, मैं क्या हूं, मुझे इस धारा के साथ मेरा क्या संबंध हो सकता है, इस धारा को मैंने देखा है, मैंने देखा कि ये लोग जो हैं कवि लोग जो हैं वो लोग एकांत में उसके अंदर इन नदियों के किनारे रह करके नदियों से सीखते थे, नदियों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, नदियों के किनारों पर पशु पक्षी भी रहते थे लेकिन वो वैसे ही रहते थे, वो एक प्रकृति के काव्य में जी रहे थे, लेकिन हम जिस काव्य में जी रहे हैं हमारी वो क्रिएटिविटी है, हम बार बार अनुष्ठानों में जाते हैं और अनुष्ठानों में हम पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, हर एक अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, हम उसमें रेपिटिशन नहीं होते कि कल भी मैंने संध्या की थी आज फिर संध्या कर रहा हूँ, ऐसा मतलब नहीं है उसका, उसका मतलब है रिक्रिएशन, मैं उसे फिर से जो कल मैंने क्रिएट किया था उसको फिर से उसमें इम्प्रूवमेंट उसके अंदर एक रिक्रिएट कर रहा हूँ उसको, तो रिक्रिएशन में और रेपिटेशन में बड़ा फर्क है। तो ये जो मूल संस्कृति जो उत्पन्न हुई यज्ञम वस्तु धिया वसु, ये जो सरस्वती है हमारे यज्ञ के लिए भरपूर तुम अन्न देती हो, बाजे फिर वाजिनी वती, बाजे भी बाज शब्द का अर्थ अन्न के, शब्द आपने तो बहुत सुन लिया तो इसका अभिप्राय क्या रहा, वाजे फिर वाजिनी वती, सब प्रकार के अन्न धन से युक्त हमें करो ताकि हम यज्ञ को कर सके, क्योंकि यज्ञ करने के लिए नीचे से लेकर के समाज के प्रत्येक प्राणी का प्रतिनिधित्व यज्ञ में होता था, कोई भी वर्ग उपेक्षित नहीं हो सकता था यज्ञ के अंदर, एक नीचे से लेकर के छोटे से छोटे लेबर से लेकर के ऊपर से ऊपर यजमान तक बड़े दूर तक, ये यज्ञ के अंदर सभी लोगों को शामिल होना ही होता था हर स्थिति में, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से उसको समझने का, उसको अपनी संवेदना को तीव्र करने का मार्ग ढूंढते थे उसके अंदर, तो इसलिए ये उसका जो पक्ष एक रहा है संस्कृति का कि उसमें ज्ञान विज्ञान और सैक्रिफिशियल एक्सपीरियंस भी उसमें आया कि ये कर्म जो है कर्म में कौशल कैसे आए, बाद में आया गीता कि योग कर्म से कौशलम, कर्मों में कुशलता, ये बिना कुशलता के यज्ञ नहीं हो सकता है, हर ये आज जैसे यज्ञ होता है कि जैसे जहां मंत्र लगा वहां पढ़ दिया, ऐसा नहीं था, वो यज्ञ के अंदर एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही है, पूरा विज्ञान उसके अंदर काम कर रहा है, सृष्टि ऐसे नहीं चल रही, हरित और सत्य का अगर अर्थ समझे तो आपको पता लगेगा कि ये ऋतम च सत्यम च अभिधा तपसो अध्यायत, सृष्टि के मूल में रित और सत्य वो उत्पन्न हुए, रित और सत्य वो सारे ज्ञान विज्ञान का मूल माना जाता रहा है, इसलिए दूसरा जो जिसे हम अनुभव कहते हैं वो यज्ञ के साथ जुड़ा हुआ था, उसमें हमारी हमारा कर्म योग जुड़ा हुआ था, उसमें हमारे कर्मों में पूर्णता कैसे आए, हमारा कर्म जो है उसके अंदर आहुतियों को प्रदान करने में केवल मात्र नहीं सारी की सारी वो दिन उसमें, तो उसमें और तीसरा इसी यज्ञ का अनुष्ठान करते करते जब वो हुआ कि ये आहुति आते आते इसी यज्ञ के अनुष्ठान में से निकला तीसरा पक्ष, और जिसे आप कहेंगे कि प्रातिह पक्ष एक बौद्धिक प्रतिभा, उपनिषदों के अंदर ये बौद्धिक प्रतिभा का जागरण हुआ, इस बौद्धिक प्रतिभा का जो जागरण हुआ इसके माध्यम से ही दर्शन उत्पन्न हुए, यज्ञ के अनुष्ठान से ही दर्शनों का आविर्भाव हुआ, और ये यज्ञ दर्शन जो था उसमें यज्ञ पुरुष का सहस्र शीर्षा पुरुष करके आप लोग जो पाठ करते हैं यज्ञ के अंदर, वो सहस्र शीर्षा पुरुष जो था उस सहस्र शीर्षा पुरुष को आप पुरुष कैसा पुरुष समझते हैं कि जिसके और जिसका यहाँ तक कि
गुरबाणी के अंदर भी सहस तब नैन सहस, तुम्हारा वो सहस शब्द का प्रयोग करके तुम्हारी वो अनंत आंखें, अनंत तुम्हारा ये अनंत सब है, एक ऐसे पुरुष की संकल्पना जो सब समझता है, सब जानता है, जो सब देखता है, सब और उसकी दृष्टि है, एक ऐसे पुरुष की परिकल्पना होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरस्वती नदी के किनारे जो सारस्वत संस्कृति थी, उस सारस्वत संस्कृति का मूल वैदिक यज्ञ भावना थी, और उस वैदिक यज्ञ भावना से ये ब्रह्म तत्व का, उपनिषदों का भी वहां पर जो मूल उपनिषद है, मूल उपनिषदों का प्रत्येक का अपने अपने वेद के साथ संबंध है, और इसलिए कोई ऋग्वेद के उपनिषद हैं, कोई यजुर्वेद के उपनिषद हैं, तो कोई उसमें दूसरे उपनिषद हैं, सामवेद के उपनिषद हैं, छांदों के जैसे सामवेद का उपनिषद है। ये सारा उपनिषदिक ज्ञान हमारा, ये सारे का सारा तत्व ज्ञान उस याज्ञिक संस्कृति से उत्पन्न हुआ, जो याज्ञिक संस्कृति सरस्वती के किनारे घटित हुई थी, और वो घटित होने वाला जो था वो सरस्वती के किनारे, इसलिए सरस्वती अधिक महात्म्य हो गया, जो तंत्र के अंदर आगम के अंदर भी सरस्वती का जो स्वरूप बना, तो तीन देवियों की बात भी आई, तो तीन देवियों में उसमें महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के रूप में उसमें सारस्वत साधना हमने की, तो सारस्वत साधना के अंदर भी हमारा ये, तो हम लोग सृष्टि को, ऑब्जेक्ट को केवल ऑब्जेक्ट की दृष्टि से, ये उसको चैतन्यांश उसके भीतर देखने का प्रयास करते हैं। वृक्ष हमारे लिए एक मौलिक दृष्टि थी हमारी कि वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है। अभी भी मैंने सुना कि बॉम्बे में एक पेड़ गिर गया और पेड़ को वहां की उसने कॉरपोरेशन ने कहा कि इस पीपल के वृक्ष को काट करके फेंको, सड़ रास्ता रुक रहा है, तो बहुत से लोग जो हैं उसको काटने को तैयार नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से किसी तरह से उस गिरे हुए पेड़ को कि नहीं ये पेड़ तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा को कैसे हम कैसे काटें उसको कुलाड़े से। तो ये एक दृष्टि जो थी, इस दृष्टि में एक काव्यात्मक संवेदना भी थी और इसमें एक इंट्यूटिव इंसाइट भी थी। वो जो इंट्यूटिव इंसाइट आपकी है वो उपनिषदों के अंदर आविर्भूत हुई, और उस इंट्यूटिव इंसाइट के कारण उसका मूल भी कहीं याज्ञिक संस्कृति के अंदर ही रहा। इसलिए वहां पर ऋग्वेद के अंदर जब ये बात प्रार्थना की गई तो उसके अंदर सबसे पहले आप देखें तो जो लोग संस्कृत के विद्वान लोग हैं वो निरुक्त यास्क मुनि जो वेद के प्राचीन व्याख्याताओं में से हैं, सबसे प्राचीन व्याख्याताओं में से हैं, उन्होंने कहा सरस्वत्या द्विरूपम नाम इत्युच्यते। सरस्वती के दो नाम है, एक नदी वाचक नाम है और दूसरा देवता वाचक है, लेकिन ये दो नामों के अतिरिक्त एक तीसरा नाम भी सरस्वती का चला, और वो था वाग्वै सरस्वती। जो वाक है मनुष्य की, जो वाक है ये सरस्वती के रूप में ही उसके भीतर ये अनुप्रविष्ट हो गई। तो स्थिति क्या रही कि जो मेरा मैटर है, माइंड है, चेतना है, ये तीनों के अंदर कोई एक संबंध है, और उस संबंध की खोज करते करते आप मोक्ष पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होने लगे। आपने ब्रह्म तत्व जो है उस पुरुष को, सहस्र शीर्षा पुरुष को ब्रह्म तत्व के रूप में अपने दर्शन में बदल दिया, और वो दार्शनिकता ऐसी कि वो ब्रह्म बोध जो था, वो ब्रह्म बोध केरल से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक घर घर में वो पहुंचा, और वो सारे का सारा जो मूल था सभी ने अपने आप को जोड़ा, किसके साथ, उन वैदिक मंत्रों के साथ जोड़ा, जिन वैदिक मंत्रों में ये आया था ऐन अम्बि तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, वो माँ अम्बि तमे का मतलब बेस्ट ऑफ द मदर्स,
जो सब माताओं में से उत्तम है, अंबितमे नदीतमे, तम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, नदियों में सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती, अंबितमे नदीतमे देवीतमे, देवियों में भी सर्वश्रेष्ठ हे सरस्वती, अप्रशस्ता आयुष्मी। हम लोग ठीक से जीना नहीं सीख पा रहे हैं, हमें ठीक से जीना सिखा दो। अप्रशस्ता आयुष्मी, हम अप्रशस्त जीवन जी रहे हैं। अप्रशस्त जीवन का मतलब आप समझ सकते हैं कि योग क्षेम हम करने के बजाय वो अपना ही, हम स्वयं ही अपने कर्मों से अपना संहार कर लेते हैं, अप्रशस्त हो गए। अप्रशस्त होने का परिणाम क्या है? आत्महनन। इसलिए उन्होंने कहा कि जो उसमें ब्रह्मचेतना में नहीं जाता है, जो अपने स्वरूप को नहीं पहचान जाता, वो आत्महनता है। यहाँ पर उसमें ये के आत्महनो जना की बात तो उपनिषदों के अंदर घोषित हुई, वो वही था। असुरिया नाम तेलो का अंधेन तमसावृता नास्ते प्रीत्य भी गच्छन्ति ये के आत्महनो जना। जो भारत में पैदा होके जिन लोगों ने इस अपने आप को पहचानने में देरी कर दी, उनको आत्महंता सक कहा उपनिषदों के। शुक्ल शुक्ल ये उसका यजुर्वेद का उपनिषद है, ईशोपनिषद, जो ये कहता है आत्महंता की बात करता है। इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि संपूर्ण भारत का जो तत्व ज्ञान है, उसका श्रेय अगर देना है तो मैं समझता हूँ कि यद्यपि उसके अंदर अन्य नदियों का और तरह से वर्णन है, सिंधु का भी है, उसमें शुतुद्री का भी है, उसमें अन्य नदियों गंगे यमुने सरस्वती भी है, और साथ में ये भी है कि ये सीता सीते सरिते यत्र संगत है, सीत और असित नदियां जहां पर मिलती हैं, ऋग्वेद का मंत्र है, सीता सीते सरिते यत्र संगत है तत्राप्लुतासो दिवम उत्पतंती। जहाँ संगम होता है, जहाँ सामरस्य बनता है, जहाँ सामंजस्य बनता है, श्वेत श्याम नदियों का जहाँ सामरस्य बनता है, वहां पर जो डिप लगाते हैं जो उसमें, तो वो लोग जो है दिवम उत्पतंती, उनके अंदर एक दिव्यता का प्रकाश उतरता है। इसलिए उस दिव्यता के प्रकाश को समझने के में ये मैं समझता हूँ कि सारस्वत संस्कृति का जो इतना महत्व उसको दिया जा रहा है, वो उसका मूल कारण। अब आप देखें कि ये ऐसे ही नहीं, उसमें यज्ञ शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है, और उस यज्ञ की पूर्ति के लिए आप रामायण का प्रारंभ क्या होता है, राम कहाँ जा रहे हैं, राम जा रहे हैं यज्ञ पूर्ति के लिए, विश्वामित्र का यज्ञ अधूरा रह जाएगा, और जब राज्याभिषेक भी हो चुका है तो किसने यज्ञ कर रहे थे, उसके अंदर भी यह हुआ कि राम को वशिष्ठ ने कहा यज्ञ होना चाहिए, राजसु यज्ञ होना चाहिए, उसने कहा लेकिन ये यज्ञ पत्नी के बिना नहीं हो सकता है, तो कहा रहने दीजिए, तो कहा नहीं उसमें स्वर्ण मूर्ति जो है उसको स्थापित कर लिया जाए, और ये राम जिसकी हम उपासना करते हैं वो राम यज्ञ के लिए जूझते हैं, संघर्ष करते हैं। भगवद गीता कहाँ पैदा होती है? कुरुक्षेत्र में पैदा हो रही है। कुरुक्षेत्र क्या है? जिसे मनु कहते हैं कि ये वो भूमि है सरस्वती दिशद्वत्योर देव नद्योर यदंतरम, और यही नहीं, इसके बाद कालिदास तक आप आ जाइए तो कालिदास का मेघ जो है वो चलता है मध्य प्रदेश से उधर रामगिरी पर्वत से, लेकिन रामगिरी पर्वत से चलते हुए जब रास्ते में वो कहता है तो कहता है कि ये जहां पर क्षत्रियों का वो संहार हुआ था वो वहां पर कुरुक्षेत्र, उसकी उसको उसके ऊपर छाया, ठंडी छाया देते हुए तुम वहां पर सरस्वती का जो प्रवाह है वो सरस्वती का प्रवाह ऐसा है कि जहाँ बलराम जैसे लोग जो बहुत मदिरा पान करते थे, बहुत श्रृंगारी मती थे, उसने भी वहां पर बंधु प्रीत्या
कृष्ण के कहने से वहां पर उसके किनारे जाकर के उसके जल का पान किया, तो उसका सरस्वती का जल पीते तुम बाहर से ही काले रह जाओगे, अंदर से तुम्हारे चैतन्य ही चैतन्य प्रकाशित हो जाएगा। अब इतना महत्व, अब कालिदास की डेट फिक्स कर लीजिए आप, या तो कालिदास ने सरस्वती को देखा नहीं, और अगर देखा है, सरस्वती उनके समय में थी, तो वो महत्व उसको इतना देते हैं कि तुम अंदर से बिल्कुल श्वेत हो जाओगे, बाहर से ही केवल तुम श्याम रह जाओगे, इतने निष्पाप हो जाओगे। इसलिए सरस्वती नदी में आप देखेंगे कि व्यावहारिक रूप से हम लोग नदियों में डिप करना, जैसे पर्व हैं, तीर्थ हैं और हैं, उसके अंदर नदियों के साथ हमारा एक संबंध, इस अंतर संबंध को पहचानने का सरस्वती एक बहुत बड़ा प्रतीक बनती है। नदियों के साथ हमारा अंतर संबंध क्या हो, हमने अपने रिवर्स को ध्वस्त कर लिया। हमारा जो नदी कल्चर था, वो इस सारे का सारा जो मॉडर्न हमारा इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है, उसके अंदर सभी नदियां जो हैं उनकी दुर्गति कर दी हमने उसमें, तो सरस्वती संस्कृति के पुनरुद्धार का प्रश्न, ये केवल सरस्वती के उद्धार का प्रश्न नहीं है, ये भारत की संपूर्ण नदियों के उद्धार का प्रश्न है, कि उनको फिर से उसी स्थिति में देखा जाए, उसी स्थिति में उनको देखा जाए, अम्बितमे उदयार्दि मदर्स, अम्बितमे नदी तमे, जल के बिना जीवन कहाँ है। वो बारहमासी नदियां जो धारा रूप में प्रवाहित हो रही हैं, उन बिना जल के जीवन कहाँ है, और अगर वो जल है, उस जल चेतना को भारत ने ही सबसे पहले लोक में जल चेतना को प्रदान किया, जहां वो जो कहता है आपो हवा एकदम सर्वम विश्वाभूतान्यापः, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर ये बात बराबर उठाई गई कि ये सारा मैं तो सारे प्राणियों में जल ही जल देख रहा हूं। अब मेडिकली आप कह देते हैं कि 75% आप में पानी है, अब ये पानी हमें बिकने लगा, जो पानी सभी पक्षियों को पशुओं को सभी को स्वतंत्र रूप में उपलब्ध होने वाला था, हमने उनकी स्थिति क्या बना दी कि हम उस जल को आज बेचने लगे, वो विक्रय की वस्तु बन गई। और विक्रय की वस्तु क्यों बन गई, क्योंकि पॉल्यूशन जो है, उस पॉल्यूशन ने तो यागिक संस्कृति का ये मूलतः मैं समझता हूं कि ये ऐसे समय में बहुत ही रेलेवेंट प्रश्न बन जाता है, बहुत ही तात्विक प्रश्न बन जाता है कि नदियों को शुद्ध रखने का जो काम है, वो नदियों को शुद्ध रखने का मतलब है कि मनुष्य की आत्म चेतना को फिर से उसी यज्ञ संस्कृति के साथ जोड़ना, जिस यज्ञ संस्कृति के साथ एक ओर जब कलश रखा, कलश स्थापन किया जाता है, तो लोगों को पता नहीं होता, बहुत से को नहीं, लेकिन जो पंडित रखवाता है वो कलश, तो उस कलश के अंदर वो कहता है कि इसी में मैं सातों समुद्रों के जल का पूजा करता हूं, कुक्षौतु सप्त सागरः, इस कुंभ के अंदर ही सातों समुद्र, इसी के अंदर सभी नदियां, इसी के अंदर ये ब्रह्मा, इसी के अंदर विष्णु, पानी के अंदर ब्रह्मा विष्णु। इसको ऐसे ना समझा जाए कि हम को बाहर का आदमी आएगा कह रहे लोग ये क्या समझते हैं कि पानी के ब्रह्मा विष्णु, वो एक संवेदना है, संवेदना को घटित करना। ये जो समाज के पुरोधा लोग होते हैं, समाज के जो अग्रसर होने वाले लोग होते हैं, जो उनका दायित्व होता है कि वो लोक चेतना को ठीक दिशा दें, और ठीक दिशा देते हुए वो जो अपेक्षित है, वो जो रेलेवेंट है, उस समय की जो डिमांड है, वो उस याज्ञिक संस्कृति को फिर से जगाने वाली बात है, जिसके अंदर मंत्र काव्य की ये पोएटिक विजन भी लोगों के अंदर, लोग ठोस यही ना हो कि बाजार की संस्कृति आपकी कविता को मार देती है। एस्थेटिक्स भी आपने अपनी ढंग का बना लिया, एस्थेटिक्स भी, एथिक्स भी, जो है जो आपको सूट करता है एथिकल है, जो नहीं सूट करता है नॉन एथिकल है।
सारे युद्धों के अंदर सारे विश्व को क्या बना के रख दिया इन संस्कृतियों ने, सारे विश्व को अग्नि गृह, एक जलता हुआ लकड़ दावानल बना दिया सारे विश्व को। इस दावानलत्व के समय में मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों का प्रयास बहुत प्रशंसनीय है। इन शब्दों के साथ में आप सब के प्रति आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आपका ये जो वक्तव्य रहा है, उद्बोधन रहा है, इसने व्याख्या भी अपेक्षित होगी धीरे धीरे। जैसे कि मंत्र काव्य शब्द है, जल एवं प्रकाश के आपसी संबंध जो सरस्वती की का वैशिष्ट्य है, सारस्वती यज्ञ, सारस्वत साधना और नदी और मनुष्य के संबंध की के ऊपर भी आपने दिशा निर्देश दिया है। तो कुल मिलाकर के अगर इसको मैं इस तरह से कहना चाहूँ कि जल और प्रकाश के प्रति संवेदना ही सारस्वत संस्कृति है, तो मुझे लगता है कि ये शायद इस तरह से कहा जा सकता हो, लेकिन इसको इसका संस्कार करने की आवश्यकता हो तो। लेकिन मैं और तरह की बातों में ना जाते हुए, हमारे साथ बहुत सारे प्रतिभागी श्रोता जुड़े हुए हैं और कई लोगों की कई तरह की उत्सुकता भी थी, तो सबसे पहले मैं रवि जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। उनका तो मैं चाहूंगा कि अगर रवि जी पहले अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि शायद मेरे वीडियो में मेरा परिचय भी है अंत में, लेकिन आपका नाम मैं भूल गया हूं सर, आप बोल रहे हैं उनका नाम। हाँ, डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी बोल रहे थे। आंगिरस जी बोल रहा था, लेकिन मैं श्योर करना चाहता था कि आपका लास्ट नेम आंगिरस है। हम आंगिरा शब्द और आंगिरस के संदर्भ में तो बहुत चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बढ़िया आपने सीरीज, और इसमें ये वाला विषय वो मुझे एक वैज्ञानिक होने की वजह से बहुत पसंद भी है, और मैंने इस पे काफी काम भी किया है। तो इसमें जाऊं, उसके पहले मैं ऋग्वेद के तीन थोड़े से उदाहरण करना चाहूंगा, वो मैंने इसमें नहीं दे पाया, मेरी 4 मिनट का जो मेरा वो है सर उसमें मैं दे नहीं पाया ये, तो आप अगर परमिट करेंगे तो मैं ये दे देता हूं। तो एक तो ये है कि चत्वारी वाक परिमिता पदानी, आप सब जानते हैं ये ऋग्वेद का श्लोक है। ये तीनों जो हैं वो तीन तो हैं, गायत्री, त्रिष्टुप और वो तीसरा जगती, तीन छंद है। चौथा है चतुर्थम तुरीयम वाचो मनुष्या वदंती, चौथी जो वाणी या वाक जो है वो जिसको आप लोग वाक बताया अभी हमारे स्पीकर साहब ने, अवस्थी जी ने, तो वो चतुर्थी वाक जो चौथी वाली है वो सरस्वती है। एक बात दूसरी, इसलिए वो वाक दृष्टा, वाक धात्री जो सब अपन सरस्वती की वंदना करते हैं, उसमें कई श्लोक आते हैं जैसे याकुंदेंदु वाला आता है वो। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि सरस्वती का ताल्लुक है रत्न आदि से संबंधित, मतलब वेल्थ। वेल्थ किसको कहते हैं, एक बार पदार्थ बन जाए तो उसमें एटम जैसे मॉलिक्यूल बन जाते हैं, मॉलिक्यूल में मेटल भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी आ जाते हैं, तो वो जो वेल्थ है, जो धन है, जो 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 भी है, वो पृथ्वी से संबंधित है, पृथ्वी में से ही निकलते हैं धन धान, तो उसमें वो इसको अनेबल करने वाला जो प्रोसेस है, जिस प्रक्रिया से हम रत्नों की तरफ जाते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स को बड़ा करते हैं, न्यूक्लियस को बड़ा करते हैं, इनको आगे आगे बढ़ा के पृथ्वी का रूप देते हैं, वह प्रक्रिया सरस्वती कहलाती है। तीसरी बात, आप जानते ही हैं वो लास्ट वाला श्लोक है,
सरस्वतम अवसे जो है विमी, इस सृष्टि का जो इस तरह का क्रम है इसमें सरस्वती को प्रणाम किया गया है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे मैं पार्टिकल्स की स्टडी है, मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सरस्वती का क्या क्या रूप है उसमें, उसमें हम कभी और भी बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन लास्ट में आप सबने जो बताया है ना, ये द्वारका की तरफ जो जा रही है गुजरात की तरफ, वो एक ब्रांच है जी सरस्वती की। किसी दिन आप देख लीजिएगा। हाँ, इसी में आप देखिए कि पहली तो एक तो जहाँ हिमाचल से चलती है, अगर हम 10-20 हजार वर्ष पहले जाके इसकी आर्कियोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो एक ब्रांच डेफिनेटली प्रयागराज के आसपास जाकर मिलेगी, जो अब लुप्त हो गई है, यूपी से भी लुप्त हो गई है, लेकिन किसी जमाने में नीचे बहती थी और काफी डेल्टा विकसित हुआ ना, काफी परतें आ गई है रेत की, हिमालय से भी चल चल के इरोजन होता है, आपने काफी कुछ कवर किया हुआ है। तो तीसरी बात यह है, एक ब्रांच तो उधर गई, दूसरी आप लोगों ने घग्गर करके आइडेंटिफाई कर ली। घग्गर इस तरफ जाते हैं तो एक ब्रांच तो होती है जो कि राजस्थान में होके नागौर के पास होके और सिंधु नदी में मिल जाती है। कभी बहुत ज्यादा बाढ़ आती है इंडिया में और बाढ़ में उस एरिया में बाढ़ ज्यादा बढ़ती है तो वो घग्गर की वो ब्रांच जाके सिंधु में सीधी मिल जाती है। सेंसिंग एजेंसी को एस्टेब्लिश किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से 1975 में। इसरो से एक साल का लीव लेके मैं वहां गया था हैदराबाद, और उसमें हमने जो रिसर्च की है सैटेलाइट से, और दूसरा मैंने 1972 से ये काम किया था, उसमें दूसरी जो है वो ब्रांच जहां जहां पर आपको मारवाड़ में पुराने बेरे या कुएं मिलेंगे 500 फीट नीचे कुएं हैं, अगर उनकी लाइन आप लगाएं जमीन पर तो वो जो सरस्वती का अंडर करंट है, रन ऑफ वाटर है अंडरग्राउंड, उन धोरों के साथ वो अलाइन होते हैं। इस तरह ट्रायल और एरर से तो ये अंदर बहने वाली सरस्वती का थोड़ा ज्ञान या आभास होता था। आजकल तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन वगैरह कई चीजें यूज करते हैं, पर इतना समय कहना चाहूंगा कि नेशनल रिमोट सेंसिंग में मेरा ये कार्यक्रम था और उसकी वजह से 1980 में ये एनआरएसए ने और आर्कियोलॉजी ने ये काम किया था। अब आप बोले तो मैं 4 मिनट का है बोल दूं ये। जी जी हाँ, ये भी दे दीजिए क्योंकि ये आपने बिल्कुल नए पक्ष हमें बताए जो कि कम से कम मेरी जानकारी में नहीं थे। कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ किंतु पहले संस्कार की बात करेंगे। संस्कार संचित कर्म से संबंधित है, हमारे डीएनए आरएनए से डीएनए से संबंधित है और हमारे स्वयं के ज्ञान की सीखने की प्रक्रिया की हिस्ट्री से संबंधित है। इस तरह संस्कार में कई कंपोनेंट्स आते हैं और जो भी हम कॉग्निटिव स्टेट में आज की स्थिति में पिछला जो ज्ञान हम मेमोरी से वापस रिकॉल कर सकते हैं वो हमारा संस्कार से उपजा हुआ ज्ञान है। इसके बारे में फिर बाद में संबंध करेंगे, लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया में दो चीजें शामिल होती हैं, एक तो आपकी कॉग्निटिव स्टेट और एक आपकी समझने की शक्ति। तो उसमें जो है भाषा न्यूरो सिंबॉलिक आस्पेक्ट आते हैं और तब जाकर ज्ञान इंटेलिजेंस अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, एक बात। दूसरी बात अब सरस्वती के बारे में, सरस्वती के बारे में 3 बातें कहना चाहूंगा। पहला वैदिक ज्ञान है, सरस्वती में सबसे पहले वेद का ज्ञान की प्रक्रिया से संबंध आता है और पदार्थ की उत्पत्ति में क्या प्रोसेस, उसको सरस्वती का प्रोसेस बोलते हैं, वो एक एक आस्पेक्ट है। कई आस्पेक्ट होंगे वेद में, मैंने 2-3 ही स्टडी किए हैं। दूसरा यह है कि जो दधिकराश प्रक्रिया है
वह ज्ञान को सीखने की प्रक्रिया जो मधु विद्या और दधीची की अश्विन वाली विद्या है, वह भी सरस्वती से संबंधित। बस अब तीसरी बात सरस्वती की हमको जियोपॉलिटिकल संदर्भ में करनी है। 1980s में हमने एक नेशनल रिमोट सेंसिंग जो एजेंसी एस्टेब्लिश की थी उसके अंतर्गत और एयरक्राफ्ट वगैरह के जरिए जो इंडिया के एटलस बनाए थे, मैप बनाए थे, उसमें घग्गर नदी हिमालय से चल के दो ब्रांच में शायद पुराने काल में जाती थी, एक ईस्ट में जाके यमुना में मिलती थी और गंगा में, और दूसरी आके शायद अरावली के संदर्भ में लेफ्ट में घग्गर नदी के नाम से चलकर और आगे सरस्वती बन जाती थी। एक ब्रांच सिंधु में जाती है और एक ब्रांच द्वारका तक उधर जाती है। अच्छा, तो जो कच्छ वाली ब्रांच जाती है राजस्थान में होके, उसमें सारे जो लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ 20-20 10-10 5-500 मीटर के कुएं जो खुदे हुए थे वो कहाँ थे, वो सरस्वती नदी के पुराने ड्रेनेज चैनल्स थे और वो पूरे अलाइन होते हैं आज, वो पेरे कहलाते थे कुएं, वो आज भी एनर्जेटिक। तो इस तरह एक तो सरस्वती से रिवर से ये जियोमॉर्फिक कनेक्शन मिलता है। दूसरा ये है कि सिकंदर के जमाने में सेनापति जो आए थे उनके साथ जो भारतीय लोगों से मिलके संतान उत्पन्न हुई, उनके कुछ भूरे बाल और भूरी आंखें, नीली आंखें, इस तरह की प्रक्रिया लोगों में मिलती है। वो लोग सारस्वत ब्राह्मण, उनमें से कुछ लोग सारस्वत ब्राह्मण भी कहलाते हैं। और सारस्वत ब्राह्मण जब रेगिस्तान बना और सरस्वती नदी लुप्त हुई तो अलग अलग हिस्सा इंडिया के उसमें चले गए। कुर्ग के पास वाले लोग और कर्नाटक वाले और उसके आसपास के कोंकण के क्षेत्र के ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण कहलाते हैं। कौर सारस्वत, सारस्वत, ये सब बात है। एक सरस्वती की लास्ट प्रक्रिया मैं बताना चाहूंगा, वो है वाजसनेही संहिता। उसमें जो है वे सरस्वती का वर्णन है वो विष्णु की पत्नी के रूप में है, लेकिन सारे ही विष्णु की संतान, पत्नी, पत्नियां, भाई, बहन, बेटे सब बाद में हुए। विष्णु सबसे पहले देवता है, उसके बाद ब्रह्मा हुए। तो ब्रह्मा की पत्नी बता दो सरस्वती को, या आप विष्णु की ओरिजिनल भार्याओं में से एक कर दो। इस तरह ये इंटरप्रिटेशन का, ये एक मेटाफोर का संबंध है। बस इतना ही मुझे कहना था, अब मैं विश्राम देता हूँ। आप लोग इन पे क्वेश्चन आंसर कीजिए, मैं भी करूँगा। वी शर्मा, फॉर्मर साइंटिफिक सेक्रेटरी ऑफ इसरो एंड नासा अपोलो अचीवमेंट अवार्ड रेसिपिएंट। आई एम फ्रॉम जयपुर, राजगुरु परिवार। आई एम सन ऑफ, सेकंड सन ऑफ राजगुरु ऑफ जयपुर एंड ब्रदर ऑफ करेंट राजगुरु ऑफ जयपुर, डॉक्टर सुबोध शर्मा। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर, it's a really amazing information which you have shared and really impressed. वाकई हम लोगों को ये नहीं पता था और मुझे लगता है कि इस विषय को और आगे अग्रसर करने के लिए एक पूरा वक्तव्य इसके ऊपर अपेक्षित होगा और निश्चित ही हम इसको टेकअप जरूर करेंगे। और ये जो तीनों पक्ष हैं, उसका जो पौराणिक पक्ष है, उसका जो भौतिक पक्ष है नदी के रूप में, और तीसरा ये जो सारस्वत ब्राह्मण जिसे हम कह रहे हैं, ये तीनों पक्षों को अलग अलग खोलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन अभी कुछ और जो विषय हैं और टिप्पणियां हैं उनको हम ले लेते हैं। और एक जो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको अभी टेकअप करूंगा जब आगे बातें हम अग्रसर करेंगे, कि माइथोलॉजी को जिसे हम पौराणिकता कह रहे हैं उसको इंटरप्रेट करने का, उसको डिकोड करने का हमारे पास क्या पैमाना है, क्या प्रारूप है, वो उसको सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, लोग उसको ऐसा सा मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और ऐसे उसे कुतर्क के रूप में प्रयोग करते हैं कि जो फिर कई बार जो है वो बड़ा अनुचित लगता है। तो वो भी हमें किसी वक्त टेकअप करना है इशू, कि माइथोलॉजी को डिकोड करने का जो प्रारूप है, पैरामीटर्स हैं, वो क्या होंगे। बट एनीवे, और इस दौरान यदि किसी की कोई टिप्पणी है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी बात हमारे साथ साझी करें। और फिर बीच में रवि शर्मा जी की बात तो हो गई है और हमारे पास एक शायद कोई और टिप्पणी भी थी, शायद देवी प्रसाद जी की,
होपफुली, लेकिन आप अपनी बात कह सकते हैं। आनंद जी आप कुछ कहना चाहेंगे, डॉक्टर आनंद जी या डॉक्टर मनमोहन जी, आपने तो काम भी किया है इसके ऊपर, आप जानते भी हैं। जी अभी अभी एमडीयू में एक सेमिनार करवाया था जी, तो सरस्वती के तीन पक्षों पर तीन विशेष लेक्चर कराए गए। एक पक्ष था आर्कियोलॉजी का, एक पक्ष हिस्ट्री का और एक पक्ष कल्चर का। तो सरस्वती का जो कल्चर का जो पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, उसके कुछ आयाम मैंने वहाँ रखे थे, जिनमें एक आयाम है सरस्वती का नगरीकरण के साथ संबंध। सरस्वती जहाँ जहाँ प्रवाहित हो रही थी उसका इस क्षेत्र के नगरीकरण में बहुत बड़ा योगदान है और वो प्राचीनतम काल से ही है। उदाहरण के लिए वर्तमान में हम देखें तो यमुनानगर से कुरुक्षेत्र, पेहुआ, विंसन, ये सारे कलायत, बनावली, राखीगढ़ी, सीसवाला, ये सारे जो प्राचीन नगर हैं हमारे सरस्वती सिंधु सभ्यता हम इसको करने लगे हैं अब इसके किनारों पर, ये सारे इसके कैचमेंट एरिया में हैं। तो संस्कृति को ध्यान में नगरीकरण में सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एक मैंने उठाया था कि कल्चर कला जो है, कला में भी सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है, नदी के रूप में भी, देवी के रूप में भी, विद्या की देवी के रूप में भी। जहाँ तक मूर्तियों की बात है, हमारे पास सबसे हरियाणा में सबसे जो एंशियंट मूर्ति है सरस्वती की, हमें रोहतक से प्राप्त हुई थी और ये बादामी पत्थर की लाइट बल्ब स्टोन की सिटिंग पोज में ललितासन में बैठी हुई प्रतिमा है जो लगभग 1800 वर्ष पुरानी है। इसी प्रकार की एक प्रतिमा उचाणा में और अन्य स्थानों पर भी प्राप्त हुई है। तो एक पक्ष है सरस्वती की प्राचीनतम प्रतिमाओं का पक्ष है, जिनकी बनावट जो है वो स्टोन से लेकर के और मेटल तक हमारे पास चली गई है। इसी प्रकार जो विद्या के केंद्र हैं सरस्वती किनारों पर, ये भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। तो इस प्रकार सरस्वती का जो सांस्कृतिक पक्ष है उस पर बहुत लंबी चौड़ी बातें हम कर सकते हैं और उसको उजागर किया जा सकता है। धन्यवाद जी। जी ये करना बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल एक ठोस रूप में हमें प्रस्तुत करना आवश्यक है और जब तक ये नहीं आएगा तो वो मेन एकेडमिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बन पाएगा। इतिहास में जो परिवर्तन अपेक्षित हैं, जिस वजह से मैंने ये आयोजन भी किया था, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है जब इतिहास में कई बार बेसिर पैर की बातें लिखी जाती हैं और जिनका कोई पीछे आधार भी नहीं होता, तो कई बार बड़े कष्ट वाली बात होती है, लेकिन इसको ठोस रूप देना बहुत जरूरी है ताकि इसको मेन डिस्कोर्स में लेकर के आए। तो धन्यवाद, ये पक्ष ध्यान में देने वाले है कि भाई नगरीकरण और सरस्वती के संबंध को। और किसी की कोई टिप्पणी है और कुछ कहना चाहते हैं? इंदु शर्मा जी का हाथ है, इंदु शर्मा। हाँ इंदु जी, आप अपना प्रश्न जो है कह दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हाँ सर, एक तो व्याकरण की दृष्टिकोण से मुझे सरित मिली है ना, जो नारायण कांकर जी ने लिखा है ना, दो लाइन और एक दूसरा दृष्टिकोण और है जिसका रहस्य मैं जानना चाहती हूँ। इसमें लिखा है, इत्यस्य भूमि विद्युत सरी ललता विनीता भी धानानी इति स्त्री लिंगिता सरति गच्छति इति सरित सरंती वा आपह यस्याम सा सरित। ये बहुत मेरे भी है ना, ये मतलब नदी और स्त्रीलिंग दोनों की शायद इन्होंने वो करी है, विनीता भी इनको कहा है। और एक दूसरा दृष्टिकोण सरस्वती का हो रहा है, तो मैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोलूंगी कि सरस्वती अपन या कुंदेन्तु के हिसाब से मानते हैं और एक नील सरस्वती मानते हैं जो ब्राह्मणों की स्तुति की देवी है, जो शिव की पत्नी कहलाती है और शिव के ऊपर पैर रख कर जिसकी प्रतिमा है नीले रंग की। वो रहस्य मुझे समझ में नहीं आया है ना, और उसको जानने की इच्छुक है कि वो सात्विक है या रौद्र रूप में है या चंडी है या काली है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही। और वो ब्राह्मणों की देवी है तो मैं उसको किस रूप में मानूं है ना, या अपने विद्वान है तो है ना, मुझे ये बताएंगे तो अच्छा लगेगा।
जी, चलिए वो नील सरस्वती और ये बाकी सब सरस्वती के रूप जो हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक प्रश्न इंदिरा, मैडम इंदिरा सुलेना जी का है। मैडम अगर आप अपनी बात स्वयं रखें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रश्न तो मैं पढ़ देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इट विल बी गुड इफ यू शेयर योर क्वेश्चन। इंदिरा जी अनम्यूट करके मैडम, चलिए है नहीं लिख। हाँ जी जी मैडम इंदिरा जी, यस मेरा आवाज आ रही है आपको? सर हाँ हाँ अब आ रही है। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, महानुभाव हमारे यहाँ हमारे बीच में, उन्होंने सरस्वती जी का जो हमारे पुराने उसमें तथ्यों में लिखा है कि उनको देवी स्वरूपा माना गया है, और जो फ्लो करके प्रयागराज में गंगा जी में मिल जाती है, और अभी ये अंडरग्राउंड बह रही है ऐसा ऐसा बताया गया, तो क्या कुछ ऐसा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू और साइंस में ऐसा कुछ रिसर्च चल रही है क्या, जो उसको जो उसके फ्लो को अंडरग्राउंड ट्रेस कर पाए कि अभी भी ये फ्लो कर रही है? जी, रवि जी इसका सही उत्तर दे सकते हैं। वैसे उन्होंने इसका रेफरेंस दिया था कि सैटेलाइट इमेजेस से जो है अंडरग्राउंड उसके। एक ब्रांच तो बिल्कुल क्लियरली, थैंक यू सर, एक ब्रांच तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही है, वो तो जो वेस्ट में जा रही है जहाँ वो लुप्त हो गई है, क्योंकि राजस्थान में काफी रेगिस्तान बन गया था, थार डेजर्ट, उस प्रक्रिया में वो नीचे घुस गई है, और उसकी अंडरग्राउंड चैनल्स बिल्कुल क्लियरली हर तरीके से दिखाई देते हैं सेटेलाइट इमेज में। आप लोग उस धोरों में जो वेजिटेशन है उससे भी कनेक्ट करते हो, जो कुएं खुदे हुए हैं उनसे भी करते हो, और एक ब्रांच नागौर में जो खाल्डे हैं जिनमें पानी 12 महीने रहता है, इतनी ड्राई होते हुए भी उस लैंड में जिप्सम होने की वजह से पानी वहां रहता है, वो ओवरफ्लो ऑफ घग्गर है, तो उधर का तो मालूम है। प्रयाग वाला जो है उसके लिए आपको यूपी की खेतीहर जमीन के काफी नीचे जाके आर्कियोलॉजिकल और वाटर डिटेक्शन के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, तो मैं श्योर हूँ कि एक ब्रांच वहां से उधर आई है, क्योंकि जो जी भी हिमालय से नदी आती है वो आगे किस तरह का अवरोध मिलता है उसके हिसाब से डिवाइड होती है, और ये फॉर्क पे है, एक ब्रांच राजस्थान में गई होगी, दूसरी प्रयागराज में जी चलती धन्यवाद। है से। जी और किसी के कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है इस विषय पे, सारस्वत संस्कृति पे, फिर हम मुख्य वक्ता हेलो का हेलो, वक्तव्य लिए। जी, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। ये हम थोड़ा सा उसके ज्योग्राफिकल पक्ष की ओर ज्यादा चले गए। ज्योग्राफिकल पक्ष में जो प्रमाण महाभारत में रामायण में मिलते हैं या स्कंद पुराण वगैरह में जो रेफरेंसेस मिलते हैं, उनमें प्राची और प्रतीची नाम से, ये प्रतीची सरस्वती है और एक प्राची सरस्वती है। और हाँ, तो वो प्रतीची जो है वो पश्चिम की ओर अरब सागर की ओर चली जाती है और वो पूर्व सागर की ओर चली जाती है, तो उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या रही होंगी ये देखने वाली बात है कि ये पंजाब से कितना कैसे निकलती थी। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि सिरसा का जो संबंध है हरियाणा के, इस सिरसा का संबंध जो है वो भी सरस्वती के साथ जोड़ते हैं कुछ लोग, कि सिरसा जो है ये सरस्वती का ही। लेकिन मुझे लगता है कि पिहोवा में जो पानी खड़ा है, पिहोवा में, क्योंकि उसे भी वहां भी पृथुदक शब्द करके बोधन किया है कि वो पृथुदक वहां पर उसका उदक जो था वो बहुत ही विस्तीर्ण था। तो उस तरह से वो ज्योग्राफिकली ये आपकी हमें जो सूचना मिली बहुत अच्छा, उसमें प्रकरण मिल गए। लेकिन हमारा जो दृष्टिकोण था कि सरस्वती हमें उपलब्ध है या नहीं, लेकिन उसका जो सांस्कृतिक योगदान है, सांस्कृतिक योगदान को हम कैसे समझें कि क्या उससे मिला, क्योंकि उसके
जितने भी 10-12 मंत्र मिलते हैं उन मंत्रों का याज्ञिक संस्कृति के साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यज्ञों की पूर्ति में सरस्वती बहुत ही ये उसे महानगर भी पैदा हुए होंगे, ग्राम भी पैदा हुए होंगे। और वाल्मीकि रामायण में तो संभवतः ये भी प्रकरण आता है कि असुरों ने उसको एक बार बिल्कुल इतना खून बहाया कि सरस्वती जो थी वो लुप्त हो गई, और फिर उसको वशिष्ठ ने द्वारा ये उसमें खड़े होकर के उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया, द्वारा फिर से ये सरस्वती अभ्युदय की ऐसी कथाएं और महाभारत वगैरह में उनको लिया जा सकता है। लेकिन जो स्कंद पुराण का प्रभास खंड है वो प्रभास खंड इस बात की ओर संकेत करता है कि सरस्वती के दो रूप रहे, एक प्राची और एक प्रतीची रूप में रहा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी सूचनाएं मिल गई। जी एक प्रश्न बीच में था डॉक्टर देवदत्त जी के द्वारा, उन्होंने वो पूछा है कि क्या ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती से विवाह किया, क्या ये नदी है या देवी स्वरूप है, क्या इस विवाह के संबंध में वैदिक प्रमाण उपलब्ध है। तो ये जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि इसको डिकोड करने के लिए एक मुझे लगता है कि हमें एक कार्यशाला लगानी चाहिए कि किस तरह से पौराणिक कथाओं को जो है वो डिकोड करना चाहिए और किस तरह से उनको अप्रोच करना चाहिए। ये जल्दी ही हम नहीं, वो कथाएं जो है ना भित्री गमन और ये सारा झंझट, ये पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी ने इसके ऊपर काम किया था जी। तो लेकिन ये विषय एक अलग से विषय, ये चर्चा का विषय है। और इसका कारण हाँ नील सरस्वती का ये एक अलग से सोचने वाली बात है। इसका ये मेरा, मैं समझता हूँ कि वर्तमान के साथ जो हमारा विषय है सारस्वत संस्कृति का प्रारूप एवं सार, उससे अलग करके ये जो है कि माइथोलॉजिकल हम इसको माने जी, जी, जी। या ये तांत्रिक प्रक्रिया माने, तांत्रिक प्रक्रिया के अंदर, क्योंकि तंत्र के अंदर भी सरस्वती का बड़ा महात्म्य है। तंत्र के अंदर सरस्वती जो है वो ये उल्टी भाषा का इस्तेमाल, विपरीत भाषा जिसे उल्टवासी कहते हैं, जिसमें पिता ने दुहित्री गमन कर लिया, फलाना कर लिया, ये विपरीत जो स्थितियां हैं ये प्रतीकात्मक रूप से समझाने का, ये उसमें जो अंदर की ओर जब प्रक्रिया चलती है तो सरस्वती जो है वो सुषुम्ना बन जाती है। तो सुषुम्ना बन करके सरस्वती जो है वो सीधी ऊपर तक जाती है, सहस्रदल तक जाती है, और वो नीचे से जाती है, और यह पिंगला जो है गंगा यमुना ये दोनों नीचे रह जाती हैं, और इस तरह का वो फिर एक अलग विषय मैं समझता हूँ उसकी। जी, मैं समझ गया वो बात, और मुझे लगता है कि एक दो पक्ष शायद रह गए, वो उनको ध्यान में मेरे भी नहीं आए कि जो बौद्धों में सरस्वती के रूप उभर कर आए और जैनों में, वो पक्ष इसमें से हमारे छूट गए हैं, लेकिन उसको जल्दी टेकअप कर लेंगे। और एक कार्यशाला जो है कि पौराणिक कथाओं के डिकोडीकरण जो है, डिकोड करने का जो तरीका, निष्कूटन, उसके ऊपर ये जो है ना, ये जो अध्यात्म की भाषा है, ये संतों में और तंत्रों में ये इनके टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। वहां पर ये जो है बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। उसमें माया ने ये कर लिया, माया ने उसने उल्टा चलेगा, जैसे है कि भीगे कंबल बरसे पानी ना, भीगे पानी बरसे कंबल भीगे पानी, और उल्टी भाषा का इस्तेमाल करके लोगों का वो एक बड़ा टर्मिनोलॉजी जो थी ना वो एक जी, उसको टेकअप कर लेंगे। बट दैट इज नो दैट वाज अ सेक्टेरियन, क्योंकि इसमें ये आपको अलग करना पड़ेगा कि जो सेक्टेरियन तंत्र का लुक है, जो एक कल्ट है, एक विशेष कल्ट है, उसके अंदर ही वो मत बदलिए पिछली वाली, उसको रहने दो। आप पिछली वाली स्लाइड वापस बताइए जिसमें वो सरस्वती का आप चित्र बता रहे हैं। सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। नहीं, इसके आगे वाला जो अभी बता रहे थे ना, जिसमें वो चिन्ह है
लैंप का रूप जो बता रहे हो ना आप आगे, इसमें रमाकांत जी शर्मा, रमाकांत जी अंगिरस, ये वाला जी, इस पर मैं कमेंट करूंगा, पर पहले सर अवस्थी सर को बोल लेने दीजिए कि आपका हो गया जी। और किसी की कोई टिप्पणी है? मैं बोलना चाहूंगा इस पे जी, ये जो आप बता रहे हैं इस पे मैं बोलना चाहूंगा। आप लोगों ने सेन चिति तो देखी है ना जी? जी, यज्ञ की जो एक वेदी बनाने की डिजाइन की स्थापत्य कला है उसमें एक सेन चिति है, जैसे उड़ता हुआ पक्षी हो वैसा। बिल्कुल, वो उड़ता हुआ पक्षी बहुत अच्छा ऋग्वेद में डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसका ये द्वा सुपर्णा से भी ताल्लुक है, उसको कभी और रखेंगे। लेकिन ये जो चित्र आपने बताया इससे मेरे को दो चीजें अच्छी लगती हैं कि जिस प्रक्रिया से हमने सेन चिति की कंस्ट्रक्शन को सीखा है वैदिक मैथमेटिक्स से, उसी प्रक्रिया से मैं सोचता हूँ ये जो सिंबल आप बता रहे हो इसको हम डिकोड कर सकते हैं। आगे के लिए प्रोजेक्ट है, आगे के लिए प्रोजेक्ट है। दूसरा, ये मुझे दो चीजों की याद दिलाता है जी। ये इसी से बन करके कुछ इसी तरह की आकृतियों में, एक तो ज्यूइश लोग जो वर्शिप करते हैं वो बना है, और एक पारसी लोग वर्शिप करते हैं वो बना है। ये दोनों भी हमारी विकसित संस्कृति की हिस्ट्री का हिस्सा है, उसको देखे वो कनेक्टेड है या नहीं। लेकिन सेन चिति जिससे सेन चिति से इसका इसका डिकोडिंग किया जा सकता है, ये देखते हैं। बड़ा अच्छा आपने एक सूत्र दे दिया है। दूसरा, एक इंदू जी ने पूछा था, इंदू जी ने कहा था सरण सरण से ताल्लुक, तो ये तो ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है, जैसे आगे खिसकाने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया से सरस्वती वेल्थ को भूमि को आगे बढ़ाती है, हमारे को कई तरह के रत्न देती है। इतना ही बोलना था, सॉरी। ठीक सर, एक सिंपल क्वेश्चन था सर जी। मैम परिचय दे देंगे आप? अब संस्कृत डिपार्टमेंट आरटी यूनिवर्सिटी कौन सी है? हाँ, नागपुर यूनिवर्सिटी से सर। एक सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है सर, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ सारस्वत संस्कृति का प्रारूप एवं सार, ऐसा आज का विषय था सर, तो सारस्वत एक संस्कृति के रूप में नदी को अपने अलग अलग प्रकार से सभी रवि सर में, मनमोहन सर ने जी बहुत अच्छा कार्य हमें बताया, संस्कृति कही जाती है या किस प्रकार का उनका प्रारूप है। सर मेरा एक इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है सर, जैसे एक आधा कोई भी कार्यक्रम रहता है सर, जैसे आज का आपका कार्यक्रम हो रहा है, कहीं हम बहुत बड़े प्रमुख अतिथि, अतिथि, मुख्य अतिथि, ये शब्द वगैरह हम यूज करते हैं सर, उसका प्रयोग करते हैं, तो एक क्वेश्चन ऐसा है सर, सारस्वत डॉक्टर भीषण ऐसा, तो वहां सारस्वत का अर्थ एक बुद्धिमान या किस प्रकार से ये किया जाता, या नदी से संबंधित ऐसा ये प्रकृति के रूप में या संस्कृति के रूप में हमें लेना चाहिए? दिस इज माय सिंपल क्वेश्चन सर। रुचि सिंपल नहीं है, रुचिकर प्रश्न। उसमें ऐसा है सारस्वत तिथि उसमें, हेलो, हाँ जी हाँ जी, हेलो, ये इसका मैं यहाँ पिछले 20-25 साल से एक संस्था सारस्वतम विद्वानों के साथ चला रहा था। तो सारस्वत जो है सरस्वत्या इदम सारस्वतम, क्योंकि मैंने आपको संकेत किया था कि साइमल्टेनियसली सरस्वती नदी भी है, और उस नदी के किनारे उत्पन्न होने वाली जो विद्या चेतना वो भी सारस्वत है, तो उसका उसकी जो आयाम है वो आयाम आप समझिए कि नदी और उसका, दोनों ही बातें उससे बन जाएंगी, सरस्वती सारस्वतम ये भी बन जाएगा। तो जो भी सरस्वती को बिलोंग कर रहा है उसमें विजडम भी बन जाए। विजडम तो देखिए वो उसमें हमने कहा कि देखो बिना उस आपके काव्यानुभव के, बिना आपके सेक्रीफिशियल एक्सपीरियंस के, बिना उसमें इंट्यूटिव इंटेलिजेंस के ये कुछ नहीं होगा, इसलिए ये सारी की सारी जो है वो सरस्वती का ही स्वरूप बनती है।
अच्छा ठीक है जी, चलिए। तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, और इसके बाद जो हम टेकअप करने जा रहे हैं कुछ इश्यूज, वो है कि एप्लीकेशन ऑफ पंचतंत्र, जो हम कहानियां वैसे कोर्स में पढ़ाते हैं लेकिन उनका उपयोग करना हमें नहीं पता, और इसी तरह के अन्य कई विषय हैं जो मुझे लगता है कॉन्टिन्यूटी में मैं टेकअप करूंगा जल्दी ही। और आप लोग मुझे बता भी सकते हैं यदि आपके अपने रुचि का कोई विषय है जो हमें टेकअप करना चाहिए, लेकिन प्रयास करें कि वो अप्लाइड हो, क्योंकि संस्कृत में शास्त्रीय विषय तो हम पढ़ाते हैं लेकिन वो अप्लाइड हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वो आप मुझे सूचित कर सकते हैं, मुझे अपना नाम और फोन नंबर और विषय जो है वो भेज सकते हैं, उसको हम जल्दी टेकअप कर लेंगे। और एक विषय जो अभी और टेकअप करने वाला था पार्ट टू में, जो पिछली बार हमने अक्षरों के वर्णों के जो अर्थ और वर्णों के जो ध्वनियां हैं उनके संबंध को लेके किया था, तो उसके ऊपर एक और हमें वक्तव्य लेना है प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी जयपुर यूनिवर्सिटी से, उनका वक्तव्य रहेगा बहुत जल्दी ही। तो बाकी और विषय जो है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और बेहतर है कि अगर आप लोग जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है अगर वो आप ज्वाइन कर लेते हैं तो मुझे सूचना देने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि हर बार जो है वो अलग अलग व्यक्ति व्यक्ति को सूचना देने में थोड़ा सा होता है। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है ये अप्लाइड इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत शास्त्री नॉलेज, इसको आप ज्वाइन कर लें तो मैं आपको निरंतर सूचना देता रहूँगा। तो आज का ये विषय बहुत सुंदर रहा, और हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार वाजपेयी जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। मित्रों के साथ मिलकर वस्तुतः बहुत अच्छा लगता है, और अब मुझे लगता है कि कुछ कार्यभार मैं उनको भी देना शुरू करूंगा क्योंकि अब उन्होंने अपने जो है वो सेवा निवृत्ति प्राप्त कर ली है, तो उनको मैं चाहूंगा कि वो उनको मैं अपने साथ जोड़ूं। और हमारे साथ डॉक्टर मीनू तलवार, डॉक्टर रनीता जैन जी और RTNL यूनिवर्सिटी से मैडम जुड़े हैं, और बहुत सारे लोग हैं। और रवि जी आप अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, और क्योंकि कुछ लोगों की रुचि है आपसे संपर्क करने की इस सारे विषय को लेकर के। डॉक्टर रितु तलवार जी और मेरे साथ भी आप शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो इस विषय को हम ले लेंगे। ये तो जीमेल का है, और मेरे व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए आप इनविटेशन भेजें तो मैं दे सकता हूँ। नंबर आप दे दीजिए या आप कर दीजिए इसमें पोस्ट, मैं अपने आप ये व्हाट्सएप का फोन नंबर है इंडिया का। ठीक है जी, सर। हेलो जी सर। जी सर, मैं आपको आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके दो तीन मैंने सेशंस अटेंड कर लिए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अंगिरस, और आज के वक्ताओं को तो ऑब्वियसली सिंह साहब को, शर्मा जी को, सबको, अवस्थी जी को, और राजेंद्र प्रसाद जी शर्मा ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे आपके कार्यक्रम से जोड़ा है, और ज्ञान ज्ञान की प्यास रखने वाले हम सब लोग जुड़े हुए हैं आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। शिवाजी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार ने भी कुछ दिन पहले एक प्रोजेक्ट किया, शुरू किया था सरस्वती नदी पर। क्या विषय है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ। और सर एक शायद और एक किसी संस्था ने इस पर एक वो काम किया है ना? दो तीन हैं हरियाणा के ही, दो हैं, एक तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है और एक सारस्वत बोर्ड पता नहीं शायद है हरियाणा का जी। एक तो ये शायद सर वो सरकार का है, लेकिन उसमें जो ये पहले वेदों में जो मार्ग उल्लेख है सरस्वती नदी का है ना जी, उससे उनमें अंतर है। चलिए देखते हैं इस सारे विषय को।
आप थोड़ा नोट कर लें तो इसका जो पार्ट टू लेंगे उसमें उस विषय को लेंगे, ठीक है? तो कोशिश करें कि भाई जो भी हम चर्चा करें वो अप्लाइड हो संस्कृत शास्त्रों का। अब ये समय है कि संस्कृत शास्त्रों का उपयोग कैसे करना है, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक उस दिशा में अग्रसर नहीं होंगे तो ना तो हम दूसरों को चुनौती दे पाएंगे, ना हम अपना विकल्प स्थापित कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये विषय हमें टेकअप करना है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, और आप लोग जुड़े रहें, जल्दी ही हम अगला विषय लेंगे और आप लोगों को मैं सूचित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सबका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।